विजय पाल आरती बिल्कुल भी नहीं आया बिल्कुल भी यहाँ पे। विजय पाल जी का काम कैसा है यहाँ पर? विजय पाल जी का काम शहरों में है, गांवों में नहीं है। बीजेपी पर क्या राय है आपकी? देखो, बीजेपी को वोट पहले दिया था लेकिन अब बीजेपी से मन हट चुका है, अब का सरकार बदलने जा रही है। युवा कौन सी सरकार लाने के मूड में है? इसे छोड़ के कोई सी भी आ जाए। विजयपाल आरती है, हमारे मोहल्ले में कितने दिन आया है, एक भी बार चक्कर मारा उसने? बस मेरे तो यू कहना है, हाथ जोड़ू बताओ। पूरी पब्लिक परेशान हो गई, लॉकडाउन लगा दिया, सब मर रहे हैं, बताओ है? एक गरीब आदमी परेशान है यहाँ पे। विजय पाल आरती बिल्कुल भी नहीं आया बिल्कुल भी यहाँ पे, देख बदल का देखने तो लक्कू भी यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ उस बात को, तो इस बार विजय पाल आरती जी का तो कहना है कि वो बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, बहुत आते हैं यहाँ पे, सारे कार्यकाल अच्छे हैं। देखो यहाँ पे नहीं आए बिल्कुल भी 5 साल से। तो आपको क्या क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? सब कुछ समस्या है यहाँ पे, सब कुछ है। जैसे कि गरीब आदमी भूखा मर रहा है। उनका तो कहना है कि लॉकडाउन में भी उन्होंने काफी कार्यकाल करे हैं यहाँ पर। अरे कितनी पब्लिक मरी है बताओ। ठीक है ना, वो शहरों के बीच ज्यादा रहते हैं, गाँव में कम जाते हैं। उनका तो कहना है कि यहाँ पर उनका बहुत अच्छा काम किया जाए, कार्यकाल उनका यहाँ पर अच्छा हुआ है। गांव में क्या हुआ है? गांव में तो अभी सड़के गड्ढे हुए पड़े हैं, नाली टूटी पड़ी है, बताओ क्या हुआ? मैं जानता हूँ 5 साल के कार्यकाल में अभी एक वो देखने भी नहीं आए यहाँ, इधर कहीं इधर कोई बस्ती है नहीं है, नहीं है। 5 साल के कार्यकाल में अभी तक एक भी। आप कभी ये पूछना कि आप कभी पक्के बाग से इधर छावनी तरफ गए हो? सही से कभी भी? या आपने आड़त भी पार करी है तुमने कभी? तो इस बार कौन सी सरकार बनाने का मूड है आपका? हमारा गठबंधन का मूड है, गठबंधन की कोई वोट देंगे और जीतेगी भी गठबंधन सरकार। तो बीजेपी की बीजेपी पर क्या राय है आपकी? देखो, बीजेपी को वोट पहले दिया था लेकिन अब बीजेपी से मन हट चुका है, अब का सरकार बदलने जा रही है, मन बना लिया पब्लिक ने, सरकार बदलेंगे अब 100%। आपकी समस्याएं क्या क्या है यहाँ पर? समस्या सबसे ज्यादा रोजगार को और पढ़ाई को है, समस्याएं सबसे ज्यादा रोजगार के लिए हैं, और सबसे नंबर वन पे शिक्षा, शिक्षा नहीं मिल रही बच्चों को बिल्कुल भी। जी ऐसा, आप यहाँ पर विजयपाल जी का कैसे कार्यकाल है? विजयपाल जी, मैं तुम्हें बताऊँ, सरकार इससे तो आनी नहीं चाहिए जो चल रही है इस टाइम। हाँ? ये सरकार ही चल रही है ना भाजपा वाली, ये तो आनी नहीं चाहिए, इसे छोड़ के कोई सी भी आ जाए। 7 साल से तो ज्यादा हो गए इस रोड पे आ गई है, गड्ढा है इस साइड भी, पल्ली साइड भी। मैं उस गड्ढे पे 7 दिन पहले गिरा हूँ, मुझे बहुत बुरी चोट आई थी इस टांग में भी और इस टांग में। तो बीजेपी का यहाँ पे रोड क्यों नहीं बनाई फिर? रोड क्यों नहीं बनाई? यहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं, यहाँ पे पूरी रोड में बच रोते वाले। कौन सी जगह पे गड्ढे हो रहे हैं? यहाँ ये नहीं ना, आप शाम नहीं जाते हो कभी? फ्लाई ओवर के साइड में गड्ढा है, फ्लाई ओवर ये बाईपास है ना, यहाँ पे गड्ढा है दोनों। इस बार आप एज अ युवा कौन सी सरकार लाने के मूड में है? इसे छोड़ के कोई सी भी आ जाए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, जानते हैं उनसे जी क्या क्या करना चाहते हैं आप, कौन सी सरकार बनाने के मूड में है इस बार? सरकार तो बनेगी मायावती की, कोई सी बननी चाहिए है। मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से हाथ बजा के लो, मायावती की सरकार बनेगी अब क्या? अरे विजयपाल आरती है, हमारे मोहल्ले में कितने दिन आया है, एक भी बार चक्कर मारा उसने? मंडी में आता है, अपनी दुकान पर आता है, चला जाता है, बताओ। तो उनका तो कहना है कि उनका बहुत अच्छा कार्यकाल। कहने में क्या है, मोदी राशन बांट रहा है, फ्री में राशन है, गैस पे सिलेंडर पे कितने पैसे बढ़ गए? 850 का 950 का सिलेंडर आया मेरे घर में आज, तो उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं? सरकार खा रही है ना खा रही है? तो विजय पाल आरती क्या कर रहा इसमें? मजदूर का गला काट रहा हूँ मैं, 4 दिन तक घर बैठा हूँ खाली, फैक्ट्री में काम नहीं है, कौन दे रहा हूँ मुझे कोई? विजयपाल का आठ के घर जाओ मैं मांगने? क्या मुझे तू 5 किलो चून दे देगा, 1 किलो नमक दे दे मुझे? विजयपाल दाड़ी विजयपाल आरती क्या कर रहा हो? एक भी कभी मोहल्ले में गली में घुमाओ। बस मेरे तो यू कहना है, मैं हाथ जोड़ूंगा बस।